कटनी में अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गधे को नगर निगम कमिश्नर बनाकर उसे पूरे शहर में घुमाया। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर यह आरोप लगाया है कि किसान मोर्चा के एक कार्यकर्ता का मकान, जो कि उसकी निजी जमीन पर बना है, कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम उसे तोड़ने में जुटा हुआ है, जिससे वो आक्रोशित है। संयुक्त किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष AK खान ने कहा कि हमारे साथी श्रीकांत उर्फ चेतू पटेल का मकान उसकी निजी भूमि पर बना हुआ है, लेकिन नगर निगम उसे बार बार अवैध घोषित कर खाली करने का नोटिस दे रहे हैं। श्रीकांत ने कोर्ट में अपील भी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, फिर भी नगर निगम कमिश्नर किसी की नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। हमने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जिले के अंदर इनको पूंजीपतियों की बिल्डिंग नहीं दिखती, अभी तो गाड़ी नाले में कब्जा हो गया वो नहीं दिखता, और गरीबों का किसानों का इनको कब्जा दिखता है, और किसान ने कोई आपत्तिजनक काम नहीं किया, अपनी भूमि पे मकान बनाया है, समय रहते सुधार हो। और माननीय चूंकि तहसीलदार साहब आए हुए, हम बता देना चाहते हैं कि लाठी आप तैयार रखना, अगर 27 तारीख को इन्होंने मकान गिराने का काम किया तो हम काला मुंह करने का काम किसान संयुक्त मोर्चा इनके ऑफिस के अंदर करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।